जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मिलने वाली दिव्यांग बुढ़ापा विधवा पेंशन मार्च महीने में भी पात्रों को नहीं मिल पाई थी। ऐसे में पेंशन की जानकारी लेने के लिए प्रतिदिन वृद्ध लोग विभाग पहुंच रहे हैं और पेंशन कब आएगी इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन पेंशन के बारे में सटीक जानकारी न मिल पाने के कारण पात्रों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। जिले में 2.15 लाख से ज़्यादा लोग बुढ़ापा विधवा निराश्रित लाडली योजना बौना किन्नर व दिव्यांग समेत अन्य पेंशन ले रहे हर महीने ले रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा हर माह बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन को 25 रुपये पहले पेंशन दिए जाते थे। विभाग द्वारा प्रतिदिन माह 20 तारीख तक यह पेंशन खाते में डाल दी जाती थी, जिसके बाद यह पेंशन बांटने का कार्य शुरू किया जाता था। लेकिन इस बारे में जिले में अधिकतर लोगों की पेंशन मुख्यालय द्वारा अब तक जारी नहीं की गई है, जिसके चलते पात्र लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा में मिलने वाली दिव्यांग बुढ़ापा विधवा पेंशन को लेकर के नई अपडेट आती रहती है। तो दोस्तों, जिसने भी एडी न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हम आप लोगों को हरियाणा की विविध जानकारी देते रहें। धन्यवाद।